Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will talk about reverse transcription. First of all, what is reverse transcription? As we know that normal transcription involves synthesis of RNA from DNA. However, reverse transcription is the synthesis of double-stranded DNA from single-stranded RNA with the help of enzyme reverse transcriptase. Then, what is reverse transcriptase? Reverse transcriptase is an enzyme also known as RNA directed DNA polymerase. Reverse transcriptase ka dusra naam RNA directed DNA polymerase hai kyunki ye RNA ko template ke taur par istemal karke DNA ki synthesis karti hai, isliye isko RNA directed DNA polymerase bolte hain. Reverse transcriptase enzyme was first discovered by Howard Tamman and Baltimore in 1970s independently, and they shared Nobel Prize in Physiology and Medicine in 1975 for their discovery. The reverse transcriptase enzyme hame kahan milega? Reverse transcriptase is common in retroviruses. Retroviruses kya hote hain? Group of viruses which have the ability to convert their single standard RNA genome into double standard DNA. HIV, human immunovirus, retrovirus hota. Isi tarike se MMLV, Mollonie-Marie leukemia virus, or रोडेंट्स में ये जो वायरस है MMLV ये जो है ये रोडेंट्स में ट्यूमर काज करता है. इसी तरीके से AMV एवियन माइलोब्लास्टोसिस वायरस बर्ड्स में जो है वो कैंसर काज करने वाला वायरस है. ये रेट्रोवायरसेस की एग्जांपल हैं, इनमें ये एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मिलता है. देन इंपॉर्टेंट बात, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है इट हैज टू काइंड ऑफ एक्टिविटीज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दो किस्म के काम करता है. इट शो टू काइंड ऑफ एक्टिविटीज. एक तो ये इट एक्ट एज अ डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए की सिंथेसिस करता है, एक्सटेंशन करता है डीएनए की. और दूसरी आरएनएएज एक्टिविटी शो करता है. ये आरएनएएज एक्टिविटी क्या है? ये आरएनए की डिग्रेडेशन करता है, आरएनए की डाइजेशन करता है. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ना सिर्फ डीएनए सिंथेसाइज करता है आरएनए को टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल करके, बल्कि वो जिस आरएनए को बतौर टेम्पलेट इस्तेमाल करता है उसको डाइजेस्ट भी करता है. तो इसलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पोजेस टू काइंड ऑफ एक्टिविटीज. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हैज हाई एरर रेट व्हेन ट्रांसक्राइबिंग आरएनए इनटू डीएनए. एज अनलाइक डीएनए पॉलीमरेज इट हैज नो प्रूफ रीडिंग एबिलिटी. जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होती है तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज से बहुत सारी गलतियां होती हैं, एरर रेट ज्यादा है क्योंकि इसमें प्रूफ रीडिंग एबिलिटी नहीं है डीएनए पॉलीमरेज की तरह. तो इसी वजह से हाई एरर रेट की वजह से अलाउज म्यूटेशन टू अकुमुलेट. वायरसेस में म्यूटेशन जो है वो बड़ी तेजी से होती. तो अभी तक हमने ये बात की कि व्हाट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज अ सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए विद द हेल्प ऑफ आरएनए विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है इसकी दूसरा नाम जो है वो है
RNA directed DNA polymerase और it shows two kind of activity, एक तो DNA polymerase activity रखती है और दूसरा ये जो है ये RNase activity रखती है, यानी RNA को digest भी करती है। इससे पहले कि हम reverse transcription के process को समझने की कोशिश करें या पढ़ें, हमें जो retrovirus का genome है जिसको बतौर टेम्पलेट के इस्तेमाल करना है उसने, उसके बारे में कुछ बातें। रेट्रोवायरल जीनोम विच विल सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है जो बतौर टेम्पलेट इस्तेमाल होगा। रेट्रोवायरसेस का जीनोम जो है वो एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। इट हैज अ कोडिंग रीजन इन द सेंटर। इस आरएनए के सेंटर में ये वाला हिस्सा, ये कोडिंग रीजन है जो किसी प्रोटीन को कोड करता है, जबकि इसके दोनों तरफ एलटीआर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स हैं फाइव एंड पे भी और लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स हैं थ्री एंड पे भी। जो थ्री एंड पे लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स हैं उन्हें राइट एलटीआर बोलते हैं और जो फाइव एंड पे है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स उन्हें लेफ्ट एलटीआर बोलेंगे। इसलिए हमारी बुक में लिखता है इट हैज कोडिंग रीजन इन द सेंटर एंड इज फ्लैंक ऑन आइदर साइड बाय लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स और ईच एल टी आर हैज रिडंडेंट सीक्वेंस आर फाइव एंड पे भी रिडंडेंट सीक्वेंस है और थ्री एंड पे भी रिडंडेंट सीक्वेंस है, ये सिमिलर सीक्वेंस है और एट द सेम टाइम फाइव एंड पे भी अनट्रांसलेटेड रीजन यू फाइव और थ्री एंड पे भी अनट्रांसलेटेड रीजन यू थ्री है। तो ईच एल टी आर has a redundant sequence and untranslated region U5 and U3. इसके अलावा जो RNA template है, जो RNA genome है virus का, it has primer binding site downstream of the 5-end. 5-end से downstream पे, 5-end से पहले प्राइमर बाइंडिंग साइट है। इट कंसिस्ट ऑफ 18 न्यूक्लियोटाइड। प्राइमर बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड डाउनस्ट्रीम ऑफ द फाइव एंड ऑफ द जीनोमिक आरएनए। इट इज अ सीक्वेंस ऑफ 18 न्यूक्लियोटाइड। तो यहां हम ये बात कर रहे हैं कि जो रेट्रोवायरल जीनोम है वो कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसके सेंटर में कोडिंग रीजन है, दोनों साइडों पे लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स हैं एलटीआर, ये नॉन सीक, ये जो रिपीट सीक्वेंसेस हैं और इसके अलावा डाउनस्ट्रीम ऑफ द फाइव एंड पे प्राइमर बाइंडिंग साइट भी मौजूद है। अब हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप ये वाला, इसमें आप देखिए ये जो है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी आरएनए से डीएनए बनाने के लिए भी प्राइमर चाहिए होता है और यहां जो प्राइमर है वो एक सेलुलर ट्रांसफर आरएनए है। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम है जब वो आरएनए से डीएनए बनाती है तो इसको प्राइमर चाहिए और प्राइमर कौन सा यहां इस्तेमाल होता है, वो एक सेलुलर ट्रांसफर आरएनए है। ये सेलुलर ट्रांसफर आरएनए है जो प्राइमर के तौर पे इस्तेमाल होगा। दिस सेलुलर ट्रांसफर आरएनए विच एक्ट एज अ प्राइमर बाइंड्स एट द प्राइमर बाइंडिंग साइट विच इज प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम एट द फाइव एंड ऑफ द डाउनस्ट्रीम downstream of the five end of the RNA genome.
और ये प्राइमर बाइंडिंग साइट जो है ये 18 न्यूक्लियोटाइड पे मुश्तमिल है। ये पहला स्टेप है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में। मैं रिपीट कर देता हूं इस बात को कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए यानी आरएनए से डीएनए बनाने के लिए जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है वो प्राइमर उसको चाहिए होता है, और यहां जो प्राइमर इस्तेमाल होगा वो है सेलुलर ट्रांसफर आरएनए। ये सेलुलर ट्रांसफर आरएनए विल बाइंड एट द प्राइमर बाइंडिंग साइट एंड दिस प्राइमर बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट डाउनस्ट्रीम ऑफ द फाइव एंड एंड दिस प्राइमर बाइंडिंग साइट कंसिस्ट ऑफ 18 न्यूक्लियोटाइड। तो पहले स्टेप में ट्रांसफर आरएनए प्राइमर बाइंडिंग साइट जो आरएनए जीनोम के ऊपर मौजूद है बाइंड कर जाता है, ये बाइंड कर गया पहले स्टेप में। देन सेकंड स्टेप रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है अब इस सेलुलर ट्रांसफर आरएनए के थ्री एंड को एक्सटेंड कर देती है टुवर्ड्स द फाइव एंड ऑफ द वायरल जीनोम। इसका क्या मतलब, एक दफा प्राइमर अटैच हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस ट्रांसफर आरएनए के थ्री एंड पे डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड कर करके आरएनए का ये वाला हिस्सा जो यू फाइव वाला हिस्सा है और रिडंडेंट सीक्वेंस वाला हिस्सा है इसके कंप्लीमेंट्री सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना देगी थ्री एंड। जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बना है दिस इज कॉल्ड माइनस स्टैंड। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसको क्या बोलेंगे, माइनस स्टैंड। हमने क्या कहा कि पहले स्टेप में प्राइमर ट्रांसफर आरएनए प्राइमर बाइंड कर गया, जब ट्रांसफर आरएनए प्राइमर बाइंड करता है कर जाता है उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ट्रांसफर आरएनए को एक्सटेंड कर देती है अप टू द फाइव एंड ऑफ वायरल जीनोम इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। दिस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज कॉल्ड माइनस स्टैंड। थर्ड स्टेप, जब ये माइनस स्टैंड का थोड़ा सा हिस्सा सिंथेसाइज हो गया तो ये वाला जो वायरस का हिस्सा था, वायरस के जीनोम का ये वाला हिस्सा यू फाइव और आर रिडंडेंट सीक्वेंस, दिस इज डिग्रेडेड बाय द आरएनएस एक्टिविटी ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये वाला यू फाइव रीजन आर सीक्वेंस जब वायरल जीनोम का सिंथेसाइज हो गया इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, तो ये वाला हिस्सा जो वायरस आरएनए का था ये वाला, ये डिग्रेड हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, और कौन डाइजेस्ट करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की एक्टिविटी आरएनएस। डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद फोर्थ स्टेप में ये जो माइनस स्टैंड सिंथेसाइज हुई है, ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए स्टैंड जिसको माइनस स्टैंड कहते हैं, जब वो सिंथेसाइज हो जाए और ये वाला हिस्सा वायरस का ये वाला हिस्सा डिग्रेड हो जाए तो माइनस स्टैंड यहां से रिलीज होगी फाइव एंड के, वायरस के फाइव एंड से माइनस स्टैंड रिलीज होगी एंड इट विल अटैच एट द आर सीक्वेंस ऑफ थ्री एंड ऑफ द वायरल जीनोम। माइनस डीएनए स्टैंड जो नई सिंथेसाइज हुई है अभी वो वायरस की प्राइमर बाइंडिंग साइट से रिलीज होगी और वायरस के जीनोम के थ्री एंड पे जाकर बाइंड कर जाएगी। इसको फर्स्ट जंप कहते हैं। अब जब जंप कर गई तो फिफ्थ स्टेप में इस जगह पर बाइंड की जैसे आपने देखा। अब वो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इट विल कंप्लीट द सिंथेसिस ऑफ द माइनस स्टैंड अप टू द फाइव एंड ऑफ द वायरल जीनोम। प्राइमर बाइंडिंग साइट वाले हिस्से तक वो उसकी सिंथेसिस कंप्लीट कर देगी। यूं माइनस स्टैंड जो है वो
कंप्लीटली सिंथेसाइज हो गई। अब सिक्स स्टेप में जब माइनस टेन सिंथेसाइज हो गई तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जो आरएनएज एक्टिविटी होती है वो ज्यादातर वायरस के जीनोम को, ये वायरस का जो आरएनए ये वाला हिस्सा है इसको डाइजेस्ट कर देती। ये आपने देखा कि ज्यादातर हिस्सा डाइजेस्ट हो गया, लेकिन सम सेगमेंट ऑफ द आरएनए जीनोम इज नॉट डाइजेस्टेड। वो जो हिस्सा जब डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको कहते हैं पॉलीप्यूरिन ट्रैक्ट। ये पॉलीप्यूरिन ट्रैक्ट है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये 3N के करीब जो है वो मौजूद होता है। ये पॉलीप्यूरिन ट्रैक्ट है, इट विल सर्व एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ अदर डीएनए स्ट्रैंड। अब नंबर 7 स्टेप में ये पॉलीप्यूरिन ट्रैक्ट रह गया था जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इसको एक्सटेंड करती हुई जो माइनस टेंड के जो है वो 5N तक ले आएगी, यानी 5 से 3 डायरेक्शन में ये प्लस टेंड जो है वो सिंथेसाइज होकर यहां तक आ जाएगी। इसके बाद 8 स्टेप में जो पॉलीप्यूरिन ट्रैक्ट है ये भी और ट्रांसफर आरएनए ये दोनों डाइजेस्ट हो गए। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये डाइजेस्ट हो गए। जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो 9 स्टेप में ये होता है कि जो प्लस टेंड है, प्लस टेंड यहां से रिलीज होगी इस जगह से, और प्लस टेंड की जो प्राइमर बाइंडिंग साइट जो इसके 3N पे मौजूद है, प्राइमर बाइंडिंग साइट ऑफ द प्लस टेंड यहां से रिलीज होगी और इट विल अटैच विद द प्राइमर बाइंडिंग साइट ऑफ द माइनस टेंड। ये जो प्लस टेंड जो थोड़ी सी सिंथेसाइज हुई है इसकी प्राइमर बाइंडिंग साइट 3N जो माइनस टेंड के 3N के प्राइमर बाइंडिंग साइट के साथ यहां से रिलीज होने के बाद इस जगह पर अटैच हो जाएगी। ये जैसे अटैच की हुआ है इसको सेकंड जंप कहते हैं। और 10 स्टेप में अब क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस टेंड को यानी जो माइनस टेंड है इसको यहां तक सिंथेसाइज कर देगी इसके दूसरे के स्टैंड के 5N पे और इस टेंड को इधर तक सिंथेसाइज कर देगी। यूं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा। इस सारी बात को एक एक स्टेप में हम यूं देखते हैं। फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप जैसे मैंने कहा कि आरएनए से डीएनए बनाने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को प्राइमर रिक्वायर्ड है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट्स आफ्टर बाइंडिंग अ सेलुलर ट्रांसफर आरएनए प्राइमर टू द प्राइमर बाइंडिंग साइट। द प्राइमर बाइंडिंग साइट इज अ सीक्वेंस ऑफ 18 न्यूक्लियोटाइड लोकेटेड डाउनस्ट्रीम ऑफ द 5N ऑफ द जीनोमिक आरएनए। ये जीनोमिक आरएनए है, ये जीनोमिक आरएनए का 5N और 5N के डाउनस्ट्रीम पे प्राइमर बाइंडिंग साइट मौजूद है। इस प्राइमर बाइंडिंग साइट के साथ सेलुलर ट्रांसफर आरएनए बाइंड कर दिया। ये फर्स्ट स्टेप है। देन अपॉन अनीलिंग यानी जब सेलुलर ट्रांसफर आरएनए प्राइमर बाइंडिंग साइट के साथ बाइंड कर जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्सटेंड द ट्रांसफर आरएनए प्राइमर अप टू द 5N ऑफ द वायरल जीनोम। रिवर्स ट्रांसफर आरएनए बाइंड कर गया, अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ट्रांसफर आरएनए के 3N को एक्सटेंड कर देगी कहां तक, अप टू द 5N ऑफ द वायरल आरएनए। और ये जो एक्सटेंशन है ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जनरेटिंग अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जिसको माइनस स्टैंड भी बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि जब ये माइनस स्टैंड की सिंथेसिस यहां तक हो जाती है तो अगले स्टेप में ये वाला हिस्सा जो है ये डाइजेस्ट हो जाएगा। जैसे लिखा है साइमल्टेनियसली
RNA's H activity of reverse transcriptase degrade the RNA strand. ये वाला हिस्सा जो पहले मौजूद था अब नहीं है. Degrade the RNA strand, anneal to the minus single stranded DNA. ये minus single stranded DNA है जो इसके साथ जुड़ा हुआ वायरस RNA का हिस्सा था U5 और R, वो डिग्रेड हो गया. और फिर अगले स्टेप में साथ ही मैंने कहा था द वायरल आर एंड यू फाइव सीक्वेंस आर रिमूव्ड बाय आरएनएज एच. जब हमने क्या कहा पहले स्टेप में ट्रांसफर आरएनए बाइंड करेगा फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए को एक्सटेंड कर देगी अप टू द फाइव एंड ऑफ द वायरल जीनोम. और जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो ये वाला हिस्सा आरएनए का डिग्रेड हो जाएगा. ये डिग्रेड कौन करेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जो आरएनएज एक्टिविटी है वो करेगी. थर्ड स्टेप में माइनस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इसकी बात कर रहा है. जो माइनस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था इज रिलीज्ड ये इस तरफ से रिलीज होगा एंड हाइब्रिडाइज विद द आर सीक्वेंस लोकेटेड एट द थ्री एंड ऑफ द सेम ट्रांसफर सेम आरएनए इंट्रामोलेक्युलर जंप है आर विद द आर सीक्वेंस लोकेटेड एट द डिफरेंट वायरल जीनोम इंट्रामोलेक्युलर जंप. This step is referred as the first strand transfer. ये minus single stranded RNA यहां से release होगा और it will hybridize at the R sequence of at the three end of the same viral genome or other viral genome, जिसको first jump बोलते हैं. Then जब ये माइनस स्टैंड यहां आकर जुड़ गई थ्री एंड पे तो अब क्या होगा आफ्टर बाइंडिंग ऑफ द माइनस सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल टू द आर सीक्वेंस सिंथेसिस ऑफ माइनस स्टैंड डीएनए कंटिन्यू अलोंग द वायरल आरएनए. ये यहां तक सिंथेसाइज हुआ था पहले अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम इसको इस आरएनए की कंप्लीमेंट्री डीएनए कॉपी बनाती बनाती फाइव एंड तक पहुंच जाएगी. और साइमल्टेनियसली टूगेदर विद द साइमल्टेनियस डिग्रेडेशन ऑफ टेम्पलेट आरएनए और साथ साथ ये सिंथेसाइज डीएनए स्टैंड सिंथेसाइज होते जाएगी और साथ साथ वायरल आरएनए ये वाला हिस्सा जो है ये डिग्रेड होता जाएगा. देन जैसे मैंने कहा कि वायरल आरएनए का ज्यादातर हिस्सा डिग्रेड हो जाएगा मोस्ट द टेम्पलेट स्टैंड इज डिग्रेडेड. ये जहां जो टेम्पलेट स्टैंड थी इसका ज्यादातर हिस्सा डिग्रेड हो गया बट सम सेगमेंट ऑफ द वायरल जीनोम रेजिस्ट डिग्रेडेशन. आरएनए के कुछ हिस्से डिग्रेड नहीं हुए इनको कहते हैं पॉलीप्यूरिन ट्रैक्ट्स. दिस सीक्वेंस सर्व एज अ प्राइमर फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्लस स्टैंड डीएनए. ये जो दूसरी स्टैंड सिंथेसाइज होगी डीएनए की उसको प्लस स्टैंड कहेंगे. ये उसके लिए टेम्पलेट के तौर पर इस्तेमाल होगी प्राइमर के तौर पर सॉरी इस्तेमाल होगी ये पॉलीप्यूरिन ट्रैक्ट जो है. देन पॉलीप्यूरिन ट्रैक्ट ये वाला प्लस स्टैंड डीएनए सिंथेसिस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द थ्री पीपीटी थ्री पॉलीप्यूरिन ट्रैक्ट कंटिन्यू टू द फाइव एंड ऑफ द माइनस स्टैंड. ये माइनस स्टैंड है जो पहले सिंथेसाइज हुई अब पॉलीप्यूरिन ट्रैक्ट के थ्री एंड से प्लस स्टैंड सिंथेसाइज होती होती जो माइनस स्टैंड के फाइव एंड तक पहुंच जाएगी और हत्ता के इट रीचेस द 18 न्यूक्लियोटाइड इन द ट्रांसफर आरएनए. जो ट्रांसफर आरएनए के 18 न्यूक्लियोटाइड थे जो प्राइमर बाइंडिंग साइट के साथ जुड़े हुए थे वहां तक ये स्टैंड सिंथेसाइज हो जाएगी. दोबारा कहता हूं प्लस स्टैंड डीएनए सिंथेसिस ओरिजिनेट फ्रॉम द थ्री पीपीटी कंटिन्यू द फाइव एंड ऑफ द माइनस स्टैंड. ये माइनस स्टैंड का फाइव एंड है वहां तक अंटिल इट रीचेस द 18 न्यूक्लियोटाइड इन द ट्रांसफर आरएनए. जो ट्रांसफर आरएनए के 18 न्यूक्लियोटाइड यहां पर थे जो प्राइमर बाइंडिंग साइट के साथ जुड़े थे वो भी सिंथेसाइज हो जाएंगे यानी प्राइमर बाइंडिंग साइट थ्री एंड पे सिंथेसाइज हो जाएगी. वेयर फर्दर सिंथेसिस इज ब्लॉक्ड बाई मिथाइलेटेड बेसिस. सिंथेसिस हो गई सिंथेसिस होने के बाद ये वाला जो
पॉलीप्यूरिन ट्रैक्ट है ये भी डाइजेस्ट हो जाएगा और ये जो ट्रांसफर आरएनए है ये भी डाइजेस्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं पॉलीप्यूरिन ट्रैक्ट भी डाइजेस्ट हो गया और यहां पर जो ट्रांसफर आरएनए बाइंड किया हुआ था वो भी डेड। बोथ ट्रांसफर आरएनए एंड द रिमेनिंग वायरल आरएनए आर रिमूव्ड बाय आरएनएएज। अब जब ये रिमूव हो गए इसके बाद ये जो प्लस स्टैंड थोड़ी सी बनी हुई है ये प्लस स्टैंड यहां से रिलीज होगी और इसकी प्राइमर बाइंडिंग साइट माइनस स्टैंड के थ्री एंड पे जो प्राइमर बाइंडिंग साइट है उसके साथ बाइंड कर जाएगी। आप जो देख सकते हैं ये सेकंड जंप है द प्राइमर बाइंडिंग साइट रीजन ऑफ द सेकंड स्टैंड यानी जो प्लस स्टैंड है हाइब्रिडाइजेस with the primer binding site region of the first end और आखिर में both the stands are extended यानी ये वाली stand का ये वाला हिस्सा भी synthesize नहीं हुआ जो minus stand का ये वाला हिस्सा भी synthesize नहीं हुआ वो भी synthesize हो जाएगा और plus stand का ये बड़ा हिस्सा जो synthesize नहीं हुआ वो भी synthesize हो जाएगा। इसको simply ये लिखा extension on both the end stands ये यहां से इधर को synthesize हुआ और ये वाले स्टैंड यहां से लेकर इधर को सिंथेसाइज। एज अ रिजल्ट अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इज कन्वर्टेड इनटू डबल स्टैंडर्ड डीएनए। दिस इज हाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन टेक प्लेस। थैंक यू वेरी मच।